कहाँ जा रही है बस ये गाड़ी? बाईपास। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सागर जाना है। सागर? फिर वहाँ से कैसे जाएंगे? वहाँ से फिर सागर से कुछ देखेंगे साधन। अच्छा, आपके साथ और कौन है? अरे हम 15-20 जने आदमी। कहाँ, भोपाल से आए हैं? नहीं, पीतमपुर से। पीतमपुरा से? मजदूर थे वहाँ, मजदूरी करते। अरे बैठो ना। अरे बैठा दे। क्या नाम हुआ आपका? बुद्धिराम यादव। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मीरा रोड, महाराष्ट्र, मुंबई से। मुंबई से? क्या करते थे? फर्नीचर काम। काम करते थे? तो कब निकले वहाँ से? वहाँ से हमने निकला परसों को निकला। परसों निकले, दो दिन पहले, परसों रात में। कितने लोग? 45 आदमी। और जाना कहाँ है आप लोग को? आजमगढ़ जौनपुर। सब 45 लोग इधर ही के हैं? हाँ। अच्छा, सब छोटा मजदूरी करते थे? हाँ, सब छोटा मजदूरी। अच्छा अच्छा, तो ये गाड़ी आप लोगों ने ठीक किया, सरकार से मिला? अपने से पैसा दे के ठीक किया, सरकार क्या देने वाला? सरकार तो खुद भिखारी, हम लोग क्या देगा सरकार? तो हम लोग कितना लगा? 1.5 लाख रुपया लगाया। 1.5 लाख रुपये में गाड़ी हुई? हाँ, 1.5 लाख। अच्छा, तो एक आदमी पे कितना पड़ गया? 3,500-3,000 रुपया मिल रहा है गाड़ी का। आप लोग 2 महीने से तो काम नहीं कर पा रहे थे? नहीं नहीं। तो खाना पीना कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था? सब अपना जो कमा के रखा तो ही खाया, और कोई देने वाला है? तो मुंबई महाराष्ट्र सरकार से कुछ नहीं मिला था? कुछ नहीं, 5 पैसे का मदद नहीं। चोर सारे लोग, जितना नेता नकारी सब चोर है। तो आपको लगा था कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो घर जाएंगे? नहीं, खाली यही करके कि लॉकडाउन खुलेगा, खाली बोल रहे हैं लॉकडाउन खुलेगा। अब खुलने का कोई चांस नहीं। बहुत जन बोल रहे हैं कि मुंबई से गाड़ी नहीं जाएगी। तो हम लोग आपस में गाड़ी एक किया, उसके बाद करने के बाद में हम लोग बोला चलो निकल चलते हैं। पता चला आप लोगों की ट्रेन भी चालू हुई है? चालू हुई है, बाकी ट्रेन मालूम पड़ा कि खाली दिल्ली से और खाली मुंबई शहर से नहीं चालू होगी, बाकी सब शहर से चालू होगी। अच्छा, मुंबई से। इसके लिए हम लोग भी घबरा गए। हम लोग आपस में इकट्ठा किए, एक ट्रक बुक किए, एक जन का 3,000 भाड़ा है, 45 जन आदमी है। अच्छा। हाँ, हम लोग काशीमीरा मीरा रोड से आ रहे हैं। तो आप लोग को खाना पीना? फिर खाना पीना वहाँ के सरकार, वहाँ के नगर सेवक से बोला तो बोलता है भागने क्या जरूरत है, खिचड़ी मिलता था वो भी कादे से, खिचड़ी नहीं मिल रहा है, एक टाइम भी नहीं। और कुछ पैसे कौड़ी की मदद बोलो तो बोलते हैं हम इसका व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। यही सब बोल रहे थे, खाली खिचड़ी खिला सकते हैं, सबको नहीं खिलाएगा। तो क्या सोचे, वापस आएंगे लॉकडाउन खत्म? अब देखा जाएगा सब क्या जाएगा। अभी तो इस हालत में जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद हम लोग समझेंगे गांव में क्या क्या है अपने पास। गांव में क्या है, खेती बाड़ी है, वही खेती बाड़ी करेंगे। अच्छा। कंपनियां तो सरकार दी नहीं है। हाँ। इसके लिए तो हम लोग को बाहर आना पड़ रहा है। तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि बीमारी हो जाएगी, सब एक जगह जमा होके चल रहे हैं? आखिर उधर भी इतना पड़ रहा है सर, मरने के लिए भी उधर भी हो सकता है, उधर भी खाना के लिए, भुखमरी के लिए तो सब ही मर सकते हैं। दूरी बनाकर वहाँ की नहीं ले पा रही है हम लोग की जिम्मेदारी, ताकि हम लोग को भागना ही पड़ेगा ना, अपने गांव भागना पड़ेगा। जो नसीब में जिसका छुआएगा तो मरेगा, नहीं छुआएगा तो बचा रहेगा तो जाएगा अपने घर पे। तो आपने सरकारी अधिकारी से बात नहीं करने की कोशिश नहीं की कि गाड़ी वाड़ी? बात किया, पुलिस चौकी भी किया, फार्म भरा, टिकट का कुछ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब तो हम लोग भाग के जा रहे हैं। 300 रुपया लगा के ऑनलाइन कराया, सब कुछ कराया, कोई सुनवाई नहीं। क्या कराया, मेडिकल? हाँ, मेडिकल जाँच कराया, सब कुछ कराया, ऑनलाइन फॉर्म भरा, ट्रेन के लिए कुछ नहीं हुआ। तब हम लोग मजबूरन गाड़ी पकड़ के आ रहे हैं। 300 रुपये का फॉर्म भरे ऑनलाइन? हाँ। अगर सरकार चाहती, जब भी बंद हुआ था वो टाइम चाहती तो पूरी पब्लिक को छोड़ देती 2-3 दिन में, तो इतना बीमारी नहीं पड़ती। तो आपको लग रहा है ऐसा कि लॉकडाउन से पहले थोड़ी छूट देनी थी? छूट देते तो पब्लिक इतनी भाग दौड़ नहीं करती ना, और बढ़ता भी नहीं। अभी कुछ मतलब सरकार ने प्लान नहीं किया है, सब कर दिया? हाँ, ये प्लान नहीं किया, अभी करके कुछ फायदा नहीं, बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या मतलब है उसका? सरकार खाली पब्लिक को गुमराह करके मारने के चक्कर में। आप क्या चाहते थे? अगर पब्लिक को वो टाइम सरकार छोड़ती तो वो टाइम महाराष्ट्र में 2-300 था बीमारी, अगर वो टाइम छोड़ती तो आज 22-23 हज़ार नहीं होती।
मतलब आप कम से कम आप लोग घर पहुंच जाते हैं? घर पहुंच जाते हैं, मजबूर लोग रोड पे नहीं मरते चलते चलते। शुरुआत में ज्यादा नहीं था ना सर, इतना नहीं था। वहाँ पे मुंबई में क्या हालत है? मुंबई में तो हालत खराब है, 23-24 हजार हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? टिकई चौहान। आपका? राजू कुमार राजभर। मेरा नाम सचिन श्रीवास्तव है और हम लोग यहाँ विदिशा रोड बाईपास यूके सेवनिया के पास में यहाँ मजदूर सहयोग केंद्र बनाया हुआ है और हम लोग यहाँ से गुजरने वाले सभी जो प्रवासी मजदूर हैं जो कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश गुजरात से आ रहे हैं उन्हें खाना और मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराते हैं। क्या हालत देखी आपने, कौन लोग हैं ये लोग और किस तरह से आ रहे हैं? ये असल में ज़्यादातर लोग जो हैं वो महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश तेलंगाना की फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले श्रमिक हैं, जो यूपी और बिहार के श्रमिक बहुत ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश के भी कुछ ज़िलों के श्रमिक यहाँ से गुजर रहे हैं। विदिशा बाईपास केंद्र असल में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिहार जाने के लिए ये लिंक रोड का भी काम करता है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा है। अभी 3 दिन पहले तक हालत ये थी कि 4 घंटे में लगभग 10 से 15 हजार लोग निकलते थे यहाँ से। तो अगर क्या लगता है आपको, जिस हालत में और जिस तरह से लोग बसों में लद करके ट्रकों में लद करके आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी ये सब सारी चीज़ें जो सरकार की जारी की गई हैं, क्या उसका कोई मायने रहता है? सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ट्रक से खासतौर पे जो लोग आ रहे हैं, आप देखेंगे ये जो पीछे लॉरीज दिख रही हैं, इनमें लोग एक एक छोटे ट्रक में 50-50 लोग बैठे रहते हैं उनके बीच में, उनको किसी भी तरह बस घर पहुँचना है। और ज़्यादातर लोगों से हम पूछते हैं दूर से बात करके कि किसी को कोई उल्टी आ रही हो, बुखार हो, अगर बीमार हो कोई तो वो आ जाए, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट की यहाँ व्यवस्था कर रखी है। बहुत ज़्यादा बीमार अभी तक कोई नहीं मिला है, लेकिन पैरों में जो पैदल चलने वाले हैं उनके पैरों में छाले हो गए हैं। पैदल चलने वाले और वाहनों पर जाने वालों की लगभग आधी आधी संख्या है। तो यानी सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों का कोई पालन नहीं हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मेडिकल की जो बात थी कि हम राज्य सरकार का कहना है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, उनको वाहन दिया जाएगा, क्या वो फॉलो हो रहा है कुछ ऐसा? जो व्यवस्था की गई है असल में उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। कल भी सरकार की तरफ से ये आया था कि 375 बसें चलाई जा रही हैं यूपी बॉर्डर के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई नहीं गुजरी है बस। जो पता चल रहा है कि मुबारकपुर चौराहे पर वो खड़ी हुई हैं बसें या वहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ से जो बसें गुजर रही हैं वो भरी हुई निकल रही हैं। आपको क्या लगता है, अगर प्लान तरीके से किया जाता ये लॉकडाउन तो हालत ऐसी होती या? इस बारे में तो अब सरकार ज़्यादा बेहतर सोच सकती है कि जो प्लान करना था और कब करना था, लेकिन ज़्यादातर लोग जो गुजर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर हमें 2 से 3 दिन का भी वक्त मिल जाता तो हम समय पर अपने घर पहुंच जाते। कोरोना से सर बहुत डर, इसीलिए तो भाग के आया इधर। तो वहाँ वो आपको बंद करके रख रहे थे? हाँ सर। हम तो कैसे भागे फिर वहाँ से? वहाँ से रात में 3 बजे रात को भागना पड़ा। लुक के छिप के? हाँ सर, लुक के ही आना पड़ा ना। तो फिर गाड़ी कैसे ठीक किए? कौन सी गाड़ी है? हाँ ये सर हम लोगों ने बुला लिया था, पहले हमारे गांव के दोस्त लोग थे, किसी तरह से अब घर में पैसा देंगे, हम लोगों के पास पैसा नहीं था, वो लोग 1,000 रुपये भाड़े के लिए बोला, तभी अभी पैसा भी नहीं दिया। एक आदमी ने कितना दिया है गाड़ी का? 1,000 रुपये। 1,000? कितने लोग हैं टोटल? 25 लोग हैं। 25 लोग बाहर आया। चलो ठीक है। वापस लौटोगे फिर इधर काम करने? ड्राइवर साहब, खाना वाना कैसे हो रहा है इन लोगों का? खाना वो घर से लाए थे और फ्री में मिल रहा है। तो इन लोगों को भाग के आना पड़ रहा है? इन लोगों को नहीं छोड़ रहे थे?